निवेशकों को राशि लौटाने के लिए समिति गठित की गई है। कंपनी ने 15 करोड़ फॉर्म डाउनलोड कर सिग्नेचर कर फिर से वापस ऑनलाइन भेज देना है आपके पास। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 45 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो अब उन लोगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक नई सूची जारी कर दी गई है। इस इंडिया पोर्टल के होम पेज पर जाएंगे तो आपको रिसबमिशन देना है, तो बस आपको वहां पर पता चल जाएगा कि इस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। उम्मीद कर नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सहारा इंडिया में जिन लोगों ने अपना पैसा निवेश किया था, अब उन लोगों के लिए सरकार ने नए साल के शुभ अवसर पर बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। तो सहारा रिफंड पोर्टल का पैसा सरकार ने रिफंड करना चालू कर दिया है। तो अब जिन लोगों ने सहारा में अपना पैसा लगाया या जमा किया था, उस पैसे को भारत सरकार द्वारा सभी को रिफंड कर रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, सहारा इंडिया के निवेशकों को राशि लौटाने के लिए समिति गठित की गई है। कंपनी ने 15 करोड़ रुपए जिला प्रशासन ने जमा करा दिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजनांदगांव से, सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। और अगर पूरे ओवरऑल बात की जाए तो कंपनी ने 15 करोड़ रुपए जिला प्रशासन में अब तक जमा करा दिए हैं। इसमें दो ही प्रमुख शर्तें हैं, एक आधार का रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल के साथ होना और आधार का रजिस्ट्रेशन आपके बैंक अकाउंट के साथ होना। ये दो जुड़ाव है तो सिर्फ आपको रिसीट का वर्णन ऑनलाइन भेज देना है और एक फॉर्म डाउनलोड कर सिग्नेचर कर फिर से वापस ऑनलाइन भेज देना है आपके पास। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 45 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। इस पर केंद्र सरकार का कहना है कि अब तक जिन व्यक्ति का सहारा का पैसा रिफंड नहीं मिला है, उन निवेशकों को सरकार द्वारा जल्द ही उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक सहारा रिफंड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सहारा इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लें। सहारा इंडिया रिफंड की जानकारी, जैसा कि दोस्तों हम आपको बता दें कि जिन लोगों ने सहारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया था, उन सभी निवेशकों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अब जिन निवेशकों ने 10,000 रुपये जमा किए थे, तो उन निवेशकों का पैसा जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा उन सभी निवेशकों के बैंक खाते में भेजने के लिए तैयारी कर रही है। बस बहुत ही जल्दी सभी निवेशकों के पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। और आम तौर पर सरकार का कहना है कि सबसे पहले छोटे निवेशकों के पैसे उनके बैंक खाते में डाले जाएंगे, फिर धीरे धीरे सभी निवेशकों के डाले जाएंगे। सहारा इंडिया पोर्टल 2024 पर निवेशकों की सूची जारी है। सहारा इंडिया रिफंड में जिन निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, वह पैसा जल्द ही वापस किया जाएगा। तो अब उन लोगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक नई सूची जारी कर दी गई है। इस सूची के तहत अभी पहले चरण में सभी 10,000 रुपये का निवेश जिन लोगों ने किया था, अब उन लोगों के पैसे DBT के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। इसके लिए निवेशकों को सहारा रिफंड पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन इस लिस्ट में अपना नाम चेक करना होगा। और अगर लिस्ट में आपका नाम है तो आपका भी सहारा रिफंड लिस्ट में नाम जुड़ गया है, तो आपको भी जल्द ही आपके बैंक खाते में आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि रिफंड लिस्ट पोर्टल से कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, आप भी सहारा रिफंड निवेशक हो तो आप भी अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो लिस्ट कैसे देखी जाती है, यह सभी जानकारी हम आपको बताएंगे। अगर आप भी सहारा रिफंड की लिस्ट देखना चाहते हैं तो आपको सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पे जाना होगा। अब आपको जैसा ही आप सहारा इंडिया पोर्टल के होम पेज पर जाएंगे तो आपको रिसबमिशन लॉगिन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपसे एक क्लेम रिक्वेस्ट नंबर यानी CRN नंबर मांगा जाएगा। तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो स्लिप दी गई थी तो वहां से नंबर देखकर डाल देना है, फिर कैप्चा डालकर
वैलिडेट कर देना है। अब आपसे जो भी जानकारी मांगी जाती है वह जानकारी दे देना है, तो बस आपको वहां पर पता चल जाएगा कि इस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और हाँ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर ओके करें।